धन वाहे गुरु साहिब जी, नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। कहो नानक इह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। गुरु गरीब निवाज बाणी के बोहित चवर शतर तख्त के मालक हाजर नाजर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पावन मुकद्दस बारगाह दे अंदर महान आत्मा गुरमत विद्या दे मारतन त्याग विराग दी मूरत और ब्रह्म दे विच विलीन अवस्था दे मालक श्रीमान संत ज्ञानी मोहन सिंह जी खालसा तिन्हां दी मिठी अते प्यारी सालाना याद विच इकत्तर होई साध संगत जी आप जी दासरे तो पहलां गुरमुखां कोलों महापुरशां दे जीवन प्रथाए और जो गुरु घर दा सिद्धांत है जो गुरमत दी मर्यादा है उहदे मुतालिक गुरमुखां कोल विचारां सरवण कर रहे सो। आओ आपां रल मिल के महापुरशां ने जो संसार दे उपर पंथ दे उपर परोपकार कीते जो उहनां दे उत्ते गुरु साहिब दीआं बख्शिशां सन उह समें दी सीमा विच बयान ते नहीं कीतियां जा सकदियां। आओ आपां रल मिल के गुरमत दीआं विचारां दी सांझ करिए। सब तो पहलां गुरु दरबार दी जो मर्यादा है आपस विच रल के फतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना फतेह दे सिमरन तों विरवी ना रहे। प्रेम सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज़्यादा विस्थार ना करां। जिस तरह दासरे तो पहलां बुलारियां ने गुरमुखां ने यह विचार भी दिते कि मौजूदा समें दे विच मनुख की प्रवृत्ति जिहड़ी है वह मैटलवादी हो चुकी है, पदार्थवादी हो चुकी है। सुख की तलाश दे विच सारा संसार ही है पर सुख का तरीका जिहड़ा है उहदे तों मनुख भटक चुकिया है और इस वेग दे विच इस वहा दे विच हर एक इंसान जिहड़ा है शॉर्टकट चाहुंदा है, नेड़ता चाहुंदा है, छेती हो जाए हर एक कम। और मनुख दे कोल जिहड़ा है वह कला अनुभव तो भी होना आखरी ज्ञान रह गया है और धार्मिक सफावां दे अंदर धार्मिक खित्यां दे अंदर भी ये वहा जिहड़ा वेखण विच मिल रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर परमेशर विच विलीन हो चुकी आत्मा नूं वख-वख नावां दे नाल संबोधन किया और इसे ही संबोधन दे विच अवस्था दे मालक ब्रह्म विच विलीन हो चुकी आत्मा नूं संत भी किया गया है। जिवें भाई साहब जी ने यह बेनती भी की सी कि मसंद शब्द जिहड़ा किसी समय बड़े उच्चे जीवन वाली शख्सियत नूं किया जांदा सी उह वेग दे नाल उस शब्द के अर्थ ही एडे बुरे हो चुके ने भी मौजूदा समय च आपां किसी नूं बुरे शब्दां नाल संबोधन करना वे ते अल्फाज उहदे लई वरतदे हां। ते संत शब्द जिहड़ा ना जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ते हाँ तो बाणी दे विच अकाल पुरख नूं बेअंत कह के वडियाया, गुरु नूं भी कहा भी उदंत कोई नहीं। तीसरे नंबर ते जे किसी शख्सियत नूं बेअंत किया तो वह गुरु द्वारा परमेशर विच विलीन हो चुकी आत्मा संत साधु महात्मा गुरसिख नूं कहा है। जदों आपां जप बाणी का पाठ करते हाँ तो चार पौड़ियाँ पहली पौड़ी जिहड़ी है ना मन्ने की गत कही ना जाए वह एक उदाहरण है गुरु साहब वालों के जिसने परमेशर के नाम विच निध्यासन कर लिया उस नाम नूं मन लिया है उहदी ये अवस्था है कि कागज़ कलम के उत्ते लिख के उहदी शख्सियत नूं बयानिया नहीं जा सकता। बाणी दे विच परमेशर नूं भी बेअंत किया, गुरु नूं भी बेअंत किया ते उस गुरु की सहायता नाल परमेशर विच विलीन हो चुकी आत्मा नूं भी बेअंत किया है। मैं बेनती करां भी नकल हमेशा असल तो ही तैयार होंदी है।
जिस चीज़ की असली ना होए उसकी कॉपी उसकी नकल नहीं तैयार हो सकती, और असल होएगी तो ताही उसकी नकल तैयार हो सकती है। बाणी दे विच बेशक जिहड़े भेख धारण कर चुके पखंडी जां विखावा करन वाले लोगों भी सतगुरु ने कंडैम किया, बाणी विच उन्हां पखंडियां की भी सतगुरु ने जिहड़ी है वो बहुत लंबी व्याख्या की है, पर नाल नाल असल की भी महाराज जी ने गल की है। आपां रोज़ रैराज साहब दे विच जाप करते हैं ना, हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाही। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विच संत शब्द की बहुत वड्डी व्याख्या है, समय की सीमा है। सकत्तर साहब जी ने यह खास तौर पर ताकीद की है, मैं समय की सीमा विच रह के समाप्ति करा। सतगुरु मेहर करन जिनके पुरब मनाते हो तिनकी बात भी मानो। उन्हां नाल सच्चा प्रेम सच्ची मुहब्बत साध संगत जी यही है कि जिस तरह का वो जीवन जिउंदे सन, गुरु के चरणों में असीं अरदास करिए कि सानू भी उस तरह का जीवन जिउण दे लई महाराज किनका मात्र बख्शिश करन, जिस तरह वो आप बाणी ते बाणी दे धारनी सन। और पंथ नूं किस तरह का आगू चाहिए, वो सारी अगम्मी ते उच्ची सुची शख्सियत दे मालक संत ज्ञानी मोहन सिंह जी सन। सतगुरु मेहर करन कौम नूं इस तरह के आगू नाल महाराज कौम नूं निवाजन, और बाणी दे अद्भुत सत्कार नूं मुख रखदिया इस संस्था वालों इस स्थान वालों जो गुटका साहब दिते जाते सन, वो एक बहुत वड्डी उदाहरण है कि सब तो पहला जग्यासु नूं जो बाणी की पोथी की मंग करने वाले गुरमुख नूं इह पुछया जांदा सी वी भाई इहदा पाठ रूटीन नाल करना, क्योंकि बाणी की पोथी का और गुटका साहब का असली अदब सत्कार तो यही है ना कि उसका जाप किया जाए, उसके विच जो गुरबाणी दीयां पंक्तियां गुरबाणी के जाप शब्द हैं उन्हां नूं पढ़िया जाए, नेम नाल उसका अभ्यास किया जाए। और बाकायदा गुटका साहब के देण दे लई इह ताकीदां इह हदायतां उस जग्यासु कोलों अहद रूप में करवाईआं जांदीआं सन। गुरमत विद्याला यादगार भाई सिमरन सिंह जी पिंड हुकूमत सिंह वाला उत्थे सिंह गुरमत की विद्या लेंदे हन, उत्थों लई भी गुटका साहिब असी इत्थों लै के जाण दे विच अपनी दिली संतुष्टि समझदे सां। और कुछ गुटका साहिब असी उत्थे जदों संथिया कराउंदे हां ते उन्हां पोथियां तो उन्हां गुटका साहिबानां तो जदों पचंगियां नूं विद्यार्थियों नूं गुरबाणी की संथिया करवाउंदे हां ते उह इक दिल नूं बड़ी रूहदारी मिलदी। इस तरह इस संस्था तो और महापुरशां के जीवन तो बाणी के अद्भुत सत्कार की भी सानू बहुत वड्डी सेध मिलती है। सो उन्हां दा ते जीवन ही एक उपदेश सी, सतगुरु मेहर करन उन्हां दी मिठी अते प्यारी याद नूं समर्पित होकर अज सारे आपां गुरु चरणां विच उपस्थित होए हां। सतगुरु सब की हाजरी दा प्रवान करन, विचारां करदिआं मन शरीर करके होईआं बेअंत बेअंत भुल्लां दी क्षमा इस तो उपरंत अरदास होवेगी। गुरफतेह बुलाओ कोई रसना विरवी ना रहे, भुल चुक दी क्षमा प्रेम नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तूठा कुर